फिजाई सफर के दौरान कैसा लिबास पहनना चाहिए, एयर होस्टेस ने मुसाफिरों की गलतियां बता दी। फिजाई सफर पर रवाना होने वाले मुसाफिरों को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए, एयर होस्टेस ने इस सवाल का जवाब देते हुए मुसाफिरों को लिबास के हवाले से की जाने वाली चंद गलतियां भी बता दी। ये एयर होस्टेस अमेरिकन एयरलाइंस में मुलाजमत करती है। इसने एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए बताया है कि एक चीज़ जो मुसाफिरों को हरगिज़ नहीं पहननी चाहिए वो लेदर ट्राउज़र है। इसके अलावा ऐसे तमाम मलबूसात जो इंतहाई चुस्त हों और आपके जिस्म को दबा कर रखते हों, इनसे भी इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिबास तवील सफ़र के दौरान मुसाफिरों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस नामी आर्जे का सबब बन सकते हैं और इनकी हालत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। इस एयर होस्टेस का कहना था कि मुसाफिरों को फिजाई सफ़र के दौरान ऐसे मलबूसात पहनने चाहिए जो सफ़र में आरामदा होने के साथ साथ किसी बदकिस्मत हादसे की सूरत में इनकी जान बचाने में भी मददगार साबित हों। हंगामी सूरत हाल में मुसाफिरों को एमरजेंसी दरवाजे से फिसलन सीढ़ी की तरफ नीचे उतरना पड़ता है। ऐसी सूरत में लिबास इस तरह का होना चाहिए जो इस फिसलन सीढ़ी से उतरने में रुकावट ना बने। मुसाफिरों बिलखसूस खवातीन को फिजाई सफ़र के दौरान कम लिबास हरगिज़ नहीं पहनना चाहिए और जेवरात से तो कतई इज्तनाब बरतना चाहिए। दर हकीकत कुछ TSA एजेंट से जेवरात की इजाज़त भी नहीं देते। ये थी आज की देसी टीवी USA से दिलचस्प रिपोर्ट। मजीद दिलचस्प रिपोर्ट जानने के लिए देखते रहें देसी टीवी USA।